नमस्ते भाइयों, आज हम यहां आए हैं यह मशीन देखने के लिए। यह मक्का निकालने के, मक्का के जो दाने होते हैं वो निकालने के लिए मशीन बनाई गई है। मशीन यहां कितने मॉडल में बनती है, कैसी कैसी मशीनें बनती है, वे सब हम जानने के लिए अभी बगता भाई का सिटी में है, जिला बठिंडा और पंजाब में यह है, इसके बारे में जानते हैं। हमारे साथ इंडस्ट्री के GS भरी जो इंडस्ट्री है, यह इंडस्ट्री के हमारे साथ फोरमैन हैं, इनसे जानते हैं, इनसे बातचीत करते हैं इस मशीन के बारे में और यहाँ कितने मॉडल के और कैसी कैसी मशीनें बनती है खेती बाड़ी के लिए। हमें जो है मशीनें, सभी मशीनें की जानकारी के लिए हम फोरमैन जी से बातचीत करते हैं। सत श्री अकाल जी। ये मशीन आपने बनाई है मक्का निकालने वाली, मक्के के जो दाने, कितने मॉडल में बनती है आपके पास ये मशीन? दो तीन मॉडल में बनती है। ये मशीन छोटी है या बड़ी है? ये मशीन छोटे वाली है। ये छोटे वाली है और इससे बड़े वाली मशीन है जो, उसमें और इसमें क्या डिफरेंट है? उसमें सिल्का उतार के डालना पड़ता है, उसमें सिल्के सने, वो जो बड़ी वाली है उसमें समेत छिलके हम निकाल सकते हैं। ये छिलका उतार के निकाली, ये छिलका उतार के निकालती है। और इसमें हम एक घंटे में कितना मक्का निकाल सकते हैं? कम से कम 8 से 10 क्विंटल। 8 से 10 क्विंटल एक घंटे में निकाल सकते हैं। और ट्रैक्टर की कोई विशेष, मतलब ट्रैक्टर लगाना होता है या कोई HP का भी लगा सकते हैं? किसी भी HP का इस पे लगा सकते हैं। और यहाँ से आपकी मशीनें बनकर, भाई वक्ता से आपकी मशीनें बनकर कहाँ कहाँ जाती है? और जाती है बंगाल भी जाती है, बिहार जाती है जी, और आंध्र में भी जाती है। ओके, इसका जो आपने बनाया, डिजाइनिंग की है, बहुत अच्छी लुक बनाई है, हमने देखा है मक्का के हैं जो यहाँ डाले जाते हैं। और जो भुट्टा होता है, जो ये दाने हैं इसमें, मतलब ये इसको दाने को निकालता है और यहाँ आ जाता है यहाँ से ट्रॉली में लोड कर सकते हैं, गाड़ी में ट्रॉली में कर सकते हैं, और यहाँ से जो है भुट्टा निकल सकता है, जो उसका जो पंजाबी में गुल बोलते हैं इसको। ओके, तो भाइयों इसमें जो है विशेष एक जो इसमें बताई गई है बात, वो हम जानते हैं। इसमें जो मटेरियल लगाया जाता है वो सुनते हैं, बहुत अच्छा मटेरियल लगाया, किस कंपनी का मटेरियल लगाते हो, जो लोया लगाते हो, जो आप सीट लगाते हो? बहुत बढ़िया कंपनी है जी, 14 गेज की चादर लगी है जी, ये भी 14 गेज की लगी है जी, और ये 12 गेज का लपेटा लगा। ओके, इसमें जो साफ्ट है, मेन साफ्ट होती है, वो कितने इंच की है? 2.25 इंच का। 2.25 इंच का साफ्ट लगाते हो, बहुत अच्छी बात है। और जो ये आप देख सकते हैं, हम इसमें आसानी से हम खड़े होकर इसमें दाने डाल सकते, मक्की जो है छली उसको डाल सकते हैं। जो आप ये बड़ी मशीनें बना रहे हैं, बड़ी मशीनें आपकी इंडस्ट्री में बन रही है, हम देख सकते हैं, ये इसमें जो आप बता रहे हो समेत छिलका आप मक्का डाल सकते हो, इसमें मतलब जो इसमें जब डिफरेंट आप बता रहे हो, तो उसके लिए बड़ा ट्रैक्टर चाहिए या क्या? कौन सा भी लग सकता है, कोई सा भी लग सकता है। तो वो एक घंटे में कितना निकालती है? तो कम से कम 20 क्विंटल निकालती है। ये 10 क्विंटल निकालती है, वो 20 क्विंटल निकालती है, इससे दुगना लगाएगी। मतलब आप दो मॉडल में बनाते हो या तीन मॉडल में बनाते हो? तीन में लगाते हैं, इसमें उसमें साइड में पटा लगता है कन्वेयर। ओके, वो अपने आप दाना डालता है, अपने आप दाना, मतलब ट्रॉली में जो बोटा वो डाल देता है उसमें। ओके, मशीन में जी निकल कर वहाँ जाता है दाना, वहाँ जाता है। तीन मॉडल में यहाँ मशीनें बनती है। GS भरी बगता भाई का, जिला बठिंडा में यह मशीनें बनाई जाती है, बहुत ही अच्छी काबिले तारीफ मशीनें होती है। और कोई जानकारी चाहिए तो आप फोन करके जानकारी ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए, स्क्रीन के ऊपर भी नंबर चल रहे हैं, और कोई जानकारी चाहिए हम फोन कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। GS भरी बगता भाई का, डिस्ट्रिक्ट बठिंडा पंजाब में यह इंडस्ट्री है। हमें जितना को जानना था इस वीडियो के माध्यम से आप जान चुके हो, और कोई जानकारी लेनी है आप जानकारी ले सकते हो। मशीन परचेज करनी है तो आप यहाँ विजिट भी कर सकते हो। सभी भाइयों को राम राम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल।